Good morning, viewers. Today we are going to start a new topic, that is hematuria. Basically, hematuria comes in the category of subject B Pharma, second SAM, pathophysiology. In this subject, this topic is hematuria. So hematuria क्या है, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ट्रीटमेंट क्या है, क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस क्या है, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है, वो हम आज हम इसमें स्टडी करेंगे. तो फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर वी शुड नो अबाउट व्हाट इज हीमेटूरिया. हीमेटूरिया क्या है? द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड हीमेटूरिया. यूरिन के अंदर ब्लड का आना या फिर उसमें मिलना, ब्लड में यूरिन का बार बार आना, वो क्या है? हीमेटूरिया, ठीक है. द ब्लड इन द यूरिन में रेंज फ्रॉम वेरी ऑब्वियस टू माइक्रोस्कोप एंड नॉट विजिबल एट ऑल. कि हम यूरिन में जो ब्लड को में रेंज फ्रॉम वेरी ऑब्वियस, बिल्कुल ही छोटे पार्टिकल्स है, टू माइक्रोस्कोप, हम उसको माइक्रोस्कोप में से देख सकते हैं, ठीक है, एंड नॉट विजिबल एट ऑल. इन जनरल अगर जो मैं बात करूँ अबाउट हीमेटूरिया की, अवर किडनी और अदर पार्ट्स ऑफ अवर यूरिनरी ट्रैक्ट दैट अलाउज ब्लड सेल्स टू लीक इनटू यूरिन. कि हीमेटूरिया में जनरली क्या है, हमारी जो किडनी है और हमारे जो बॉडी के अदर ऑर्गन्स है, अदर बॉडी बॉडी पार्ट्स है, वो ऑफ अवर यूरिनरी ट्रैक्ट दैट अलाउ ब्लड सेल्स टू लीक इनटू यूरिन, मीन्स वो ब्लड वो अलाउ करते हैं यूरिन में छोटे छोटे लीकेज पार्ट में से ब्लड सेल्स को रिमूव करना, ठीक है. सो हीमेटूरिया क्या है? हीमेटूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स इन द यूरिन, मीन्स ब्लड यूरिन के अंदर ब्लड सेल्स का मिलना, ठीक है, यूरिन के अंदर ब्लड सेल्स का मिलना. हीमेटूरिया कैन बी कॉल्ड आइदर ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक. हीमेटूरिया क्या है? That is the presence of blood or blood cells in the urine. Urine के अंदर या तो blood cells या फिर blood का मिलना, वो क्या है? Hematuria. Hematuria can be called either gross or microscopic. Gross hematuria occurs when there is enough blood present in the urine. Gross hematuria क्या है? When there is enough blood. जब हमारी बॉडी में ज्यादा ब्लड प्रेजेंट होता है यूरिन में, दैट इट इज विजिबल टू द नेक डाई, हम उसको नेक डाई से विजिबल कर सकते हैं, एंड कैन टर्न टॉयलेट वाटर कलर पिंक और ब्राइट रेड. और जो टॉयलेट है वॉशरूम में, जब हम यूरिन पास आउट करते हैं, जो कलर है उसका, दैट पेल पिंक, जो क्या होता है वो सिंक पे बेस पे जो यूरिन है, दैट द पेल पिंक और ब्राइट रेड, या तो वो पेल पिंक हो या फिर ब्राइट रेड, ठीक है. अब है माइक्रोस्कोपिक हीमेटूरिया इज अ रिजल्ट ऑफ देयर बीइंग एन अमाउंट ऑफ ब्लड इन द यूरिन. माइक्रोस्कोपिक में क्या है? दैट इज द रिजल्ट ऑफ देयर बीइंग एन अमाउंट ऑफ ब्लड इन द यूरिन दैट कैन ओनली बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप. की बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट है यूरिन का, यूरिन में ब्लड का मिलना, दैट कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, हम उसको ओनली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. अब है कॉजेज ऑफ हीमेटूरिया. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कि जो यूरिनरी पार्ट है वहाँ पे छोटे छोटे जो माइक्रोब्स और ऑर्गेनिजम्स वो जो ग्रोथ होती है, तो उनकी वजह से इन्फेक्शन होता है, ठीक है. अब है साइक्लोन, ये क्या है? साइक्लोन नेफ्राइटिस यूटीआई दैट हैज रीच्ड एज फार एज द किडनी, ठीक है. यूरिनरी स्टोन डिजीज की, जो क्या होता है, जो उसमें किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड गोल ब्लैडर में भी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो क्या है? यूरिनरी स्टोन डिजीज, ठीक है. किडनी में क्या है? जो फिल्टर हुआ जो पानी है वो बिल्कुल वेस्ट उससे बाहर निकल जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे मतलब क्रिस्टल्स है, ब्लड के सेल्स है, यूरिन सेल्स है, वो वहीं पे ही डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनकी वजह से यूरिनरी स्टोन डिजीज होती है, ठीक है. अब है एनलार्ज प्रोस्टेट क्या है? कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी,
ठीक है, इसमें क्या है, इंजरी टू द यूरिनरी ट्रैक्ट, क्या होता है इसमें, इंजरी होती है दैट इज इन द यूरिनरी ट्रैक्ट में, ठीक। क्या क्या है ये, कि जो हमारा हीमोटूरिया है, ठीक है, एनलार्ज प्रोस्टेट होती है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी इन द इंजरी टू द यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। इंजरी क्या होती है इसमें, इंजरी टू द यूरिनरी ट्रैक्ट। फिर क्या है इसमें, किडनी और रीनल डिजीज, इसमें क्या है, जो मतलब किडनी का पार्ट है, रीनल डिजीज इससे हो जाती है, एंड ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कैंसर क्या है, एंड किडनी कैंसर, मींस जो ब्लैडर पार्ट में स्टोन का ज्यादा बार बार में वहां पे डिपॉजिट होना और उसको अच्छे तरीके से रिकवर ना करना, किडनी में भी उसको अच्छी तरह से रिकवर ना करना, तो जिसकी वजह से दोनों में ब्लड ब्लैडर कैंसर और किडनी कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर क्या है कि लीवर से ऊपर जो प्रोस्टेटिक जो ग्रुप है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, वहां पे क्या होता है, उसमें इंबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि मतलब उसमें किडनी की टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें प्रोस्टेट कैंसर मिलता है। यूरिन कैन आल्सो चेंज कलर्स ड्यू टू फूड चॉइसेस, यूरिन के अंदर दैट कैन आल्सो चेंजेस कलर्स ड्यू टू फूड चॉइसेस, जैसे जैसे फूड चॉइसेस होता है, टेस्ट चेंज होता है, यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। फूड्स सच एज बीट्स, ब्लैकबेरीज एंड रूबाब एज वेल एज फूड विद ए लॉट ऑफ डाइज कैन कॉज योर यूरिन टू चेंज कलर। फ्रूट्स फूड कौन कौन से हैं, जैसे बीट्स हो गया, ब्लैकबेरीज हो गया, रूबाब हो गया, एज वेल एज फूड विद ए लॉट ऑफ डाइज, ठीक है, कैन कॉज यूरिन टू चेंज कलर, ठीक है। अब कुछ इसमें सिम्टम है, जैसे हमारा ग्रोस हिमटूरिया था दैट प्रोड्यूसेस पिंक रेड और कोला कलर्ड यूरिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड सेल्स, ठीक है। इट टेक्स लिटिल ब्लड टू प्रोड्यूस एंड यूरिन एंड टू ब्लीडिंग यूजली इज नॉट पेनफुल, पासिंग ब्लड क्लॉट्स इन योर यूरिन हाउएवर दैट कैन बी ए पेनफुल, ठीक है। सो इसमें क्या है, वैन टू सी ए डॉक्टर, हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कि जब इसमें ज्यादा यूरिन हो, ठीक है। मेक एन अपॉइंटमेंट टू सी योर डॉक्टर एनी टाइम यू नोटिस ब्लड इन योर यूरिन, आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है एनी टाइम दैट व्हेन व्हेन यू नोटिस द ब्लड इन योर यूरिन। सम मेडिकेशन लाइक लैक्सेटिव्स एक्सलैक्स एंड सर्टेन फूड्स इंक्लूडिंग बीट्स रूबाब्स एंड बेरीज कैन कोज योर यूरिन टू टर्न रेड, जो बात अभी आई है कि जो आपके यूरिन के अंदर जो चेंजेस हैं, जो फूड चॉइसेस हैं, उनकी वजह से भी यूरिन में चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि फूड्स हो गया हमारा, सर्टेन बीट्स हो गया, ब्लैक बेरीज हो गया, रूबाब हो गया, एज वेल एज फूड विद लॉट ऑफ डाइज, ठीक है। अब क्या है, कैन कोज योर यूरिन टू चेंज कलर, बट ए चेंज इन यूरिन कलर कोज बाय ड्रग्स फूड और एक्सरसाइज माइट गो अवे विद इन ए फ्यू डेज, जिनकी वजह से जैसे अलग अलग टाइप्स के ड्रग्स हम लेते हैं, फूड हम कैसा प्रेफर कर रहे हैं, रेगुलर इनटेक एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट माइट गो अवे विद इन ए फ्यू डेज, ठीक है। फिर ब्लडी यूरिन लुक्स डिफरेंट, जो यूरिन में जो ब्लड का पार्ट है वो दैट्स वी लुक डिफरेंट, बट वी माइट नॉट टू बी एबल टू सी द डिफरेंस, बट माइट एबल टू टेल द डिफरेंस, लेकिन हम इसको बताने में थोड़ा सा अक्षम होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि ये यूरिन है, ये किस वजह से इसमें पेल हुआ है, किस वजह से इसमें रेड टू पेल येलो टू, वो चीजें, ठीक है। अब इसके बाद इट इट इज द बेस्ट टू सी योर डॉक्टर एनी टाइम यू सी रेड कलर यूरिन, अगर जो हमें अपने यूरिन में रेड कलर जो है हमें दिखे, तो हमें जस्ट इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर एंड कंसल्ट हिज प्रेफरेंस।
अब है सिम्टम। सिम्टम में मैंने आपको बताया कि ऑल्दो ब्लड इन द यूरिन इज नॉट ऑलवेज ए सिग्निफिकेंट सिम्टम ऑफ डिजीज, इट कैन बी एन इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन टू ए पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम। जो क्या है, यूरिन के अंदर जो ब्लड है इज नॉट ऑलवेज ए सिग्निफिकेंट सिम्टम ऑफ डिजीज, ठीक है, दैट कैन बी एन इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन टू ए पॉसिबल हेल्थ। ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट वार्निंग है दैट साइन टू ए पॉसिबल हेल्थ केयर टीम, ठीक है, पॉसिबल। फिर है ब्लडी यूरिन। ब्लडी ब्लडी यूरिन में क्या है कि ब्लडी यूरिन, ब्लडी जो यूरिन है उसमें क्या है, दैट शुड नेवर बी इग्नोर्ड, हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर राइट अवे इफ देयर इज ब्लड इन योर टाइम, हमें डॉक्टर से इसकी सलाह लेना चाहिए अगर हमें देयर इज ब्लड इन योर यूरिन, स्पेशली इफ यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज लाइक फ्रीक्वेंट पेनफुल और अर्जेंट यूरिनेशन, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर और पेन इन योर एब्डोमेन, ठीक है। तो क्या है, जो हमारा ब्लडी यूरिन है हमें उसको, दैट शुड नेवर बी इग्नोर, हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। एनी ब्लड इन द यूरिन कैन बी अ साइन ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इवन इफ इट हैपेंस ओनली वंस, अगर जो ये एक बार हुआ, इग्नोरिंग हीमेटोरिया कैन लीड टू द वर्सनिंग ऑफ ए सीरियस कंडीशन लाइक कैंसर एंड किडनी डिजीज, ठीक है। अब क्या है इसके बाद, किडनी डिजीज, सो यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद हमारा रिस्क फैक्टर्स ऑफ हीमेटूरिया। रिस्क फैक्टर्स क्या है इसमें, रिस्क कितना इसमें रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स ऑफ हीमेटूरिया। पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू हैव ब्लड इन देयर यूरिन आर दोज विद एग्जिस्टिंग डिजीज दैट आर नोन टू कॉज हीमेटूरिया सच एज, क्या है, जो पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू हैव ब्लड इन देयर यूरिन, मोस्टली ऐसे पीपल जिनको कि यूरिन में ब्लड आता है, आर दोज विद एग्जिस्टिंग डिजीज, और वो किसी डिजीज से भी प्रभावित है, दैट आर नोन टू कॉज हीमेटोरिया, लेकिन उसका कारण क्या है, वो हीमेटोरिया सच एज द वंस लिस्टेड इन द सेक्शन रिलेटेड टू कॉजेज ऑफ हीमेटोरिया। हाउएवर सर्टेन एक्शन में इंक्रीजेस ए पर्सन चांसेस ऑफ हैविंग ब्लड इन देयर यूरिन, क्या है, सर्टेन एक्शंस जैसे कि में इंक्रीजेस ए पर्सन चांसेस ऑफ हैविंग ब्लड इन देयर यूरिन, दीज इंक्लूड स्मोकिंग, ओवर यूज ऑफ पेन मेडिकेशंस, अगर आपको कोई पेन है आप उसको सहन कर रहे हो, ओवर यूज कर रहे हो, तो उससे भी आपको इसका खतरा है। एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल, हम अलग अलग उसमें अलग अलग केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं, हम जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हैं, डेली क्या है उसमें हजारों केमिकल खुलते हैं उनकी फ्यूम, ठीक है, तो वो क्या है हमारा एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल। फिर है एक्सपोजर टू रेडिएशन की, जो अलग 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 मतलब केमिकल होते हैं उनमें क्या होता है, एक्सपोजर होता है किसका, रेडिएशन का, दैट आर द रनिंग और द जॉगिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, अगर जो हम रनिंग करेंगे और इसमें जॉगिंग का मतलब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, इससे भी हमारा दैट इज द लॉन्ग डिस्टेंसेस पे हमें इसका फायदा होगा। क्या है कि ओवर यूज ऑफ पेन मेडिकेशंस, हमें इसमें ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन रिलीज के साथ इसको यूज नहीं करना है। एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स, हमने अलग अलग केमिकल्स को अवॉइड करना है। एक्सपोजर टू रेडिएशंस, हमें अलग अलग
रेडिएशन टाइप की जो सेल्स है, एस्ट्रोनर्स है, हमें उससे दूर रहना है, ठीक है। रनिंग और जॉगिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, हमें क्या है, जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। अवॉइडिंग दीज एक्शन में डिक्रीज द चांसेस ऑफ हैविंग ब्लड इन योर यूरिन, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, स्मोकिंग। अब है प्रिवेंशन ऑफ हीमेटुरिया। टू प्रिवेंट हीमेटुरिया रिलेटेड टू स्ट्रेनस एक्सरसाइज स्विच टू ए लेस इंटेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम। इन जनरल यू कैन हेल्प टू प्रिवेंट अदर फॉर्म ऑफ हीमेटुरिया बाय फॉलोइंग ए लाइफस्टाइल दैट फोस्टर्स ए हेल्थी यूरिनरी ट्रैक्ट। क्या है, टू प्रिवेंट हीमेटुरिया, हमें हीमेटुरिया की प्रिवेंशन के लिए टू स्ट्रेनस एक्सरसाइज, हमें ऐसी स्ट्रेच एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्विच टू ए लेस इंटेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम, हमें जो लेस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है वो हमें कम करनी चाहिए। इन जनरल वैसे तो यू कैन हेल्प टू प्रिवेंट अदर फॉर्म ऑफ हीमेटुरिया, हम किसी भी उसमें क्या ना हीमेटुरिया में अलग से हम इसमें हेल्प ले सकते हैं बाय फॉलोइंग ए लाइफ स्टाइल दैट फोस्टर्स ए हेल्थी यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, बाय फोस्टर्स ए हेल्थी यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद है हमारा स्टे वेल हाइड्रेटेड, हमें लंबे टाइम तक हाइड्रेट रहना है। ड्रिंक अवॉइड अबाउट 8 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड डेली मोर ड्यूरिंग हॉट वेदर, हमें गर्मियों में खासकर इस मौसम में ड्रिंक में पानी पीना चाहिए अबाउट 8 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड डेली ठीक है। तो क्या है, स्टे वेल हाइड्रेटेड, हमें ज्यादा लंबे टाइम तक इसमें हाइड्रेट रहना है। ड्रिंक अबाउट 8 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड डेली मोर ड्यूरिंग हॉट वेदर, ठीक है, हमें क्या है इसमें पानी पीना चाहिए। ड्रिंक अबाउट 8 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड डेली मोर ड्यूरिंग हॉट वेदर। अवॉइड स्मोकिंग, हमें इसमें सिगरेट को स्मोक कर हमें अवॉइड स्मोकिंग में इसको सिगरेट को अवॉइड करना है। विच आर लिंक्ड टू यूरिनरी ट्रैक्ट कैंसर, हमें इसमें जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कैंसर है, हमें उसको दूर करना है, ठीक है, जिनकी वजह से ही है। अब है इसके बाद हमारा ट्रीटमेंट ऑफ हीमेटुरिया। द ट्रीटमेंट ऑफ हीमेटुरिया डिपेंड स्ट्रॉन्गली ऑन द एक्चुअल कॉज ऑफ ब्लड इन द यूरिन, अगर जो मैं बात करूँ ट्रीटमेंट की तो वो डिपेंड करता है दैट आर स्ट्रॉन्गली ऑन द एक्चुअल कोर्स, कि इसका एक्चुअल मेन रीजन क्या है यूरिन का ब्लड में ब्लड का यूरिन में आना, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द मेडिकल हिस्ट्री, हमने मेडिकल हिस्ट्री से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फिजिकल एग्जाम एंड एनी टेस्ट रिजल्ट्स विल बी यूज टू डिटरमाइन द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम इस पे आए हैं कि और बेटर टेस्ट रिजल्ट के बाद दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन, ठीक है, फॉर हीमेटुरिया दैट इज कॉज्ड बाय यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हीमेटुरिया में मेनली क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ए कॉमन ट्रीटमेंट इज द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, कॉमन ट्रीटमेंट क्या है, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। These antibiotics work to kill the bacteria causing the urinary tract infection which should stop the bleeding. जो antibiotics होती है वो काम क्या क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देता है, causing the urinary tract infection, जिसकी वजह से urinary tract bacteria causing the urinary tract infection which should stop the bleeding, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैला हुआ है that will stop the bleeding, ठीक है।
इसके बाद है हमारा ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप योर किडनीज हेल्थी। हमें मोस्टली 8 to 10 ग्लास वाटर ए डे पर ए डे पीना चाहिए, ठीक है। पानी से क्या है, हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है। द किडनी क्लीन्स देमसेल्फ व्हेन द बॉडी टेक्स इन एनफ फ्लूइड। तो क्या है कि किडनी हमारी बॉडी को क्लीन करती है जब हम बॉडी को एनफ फ्लूइड हमें इसमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब है इसके बाद हमारी कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिया। कंपोजिशन क्या है, वाटर कितनी है 96%, यूरिया कितना है 2%। वो जो 2% एक्स्ट्रा है वो क्या है, यूरिक एसिड, क्रिजिनिन, अमोनिया, सोडियम पोटासियम क्लोराइड फॉस्फेट सल्फेट ऑक्सलेट, ठीक है। अब क्या है इसके बाद हमारा जो ये ब्लू कलर है ये क्या है, यूरिक एसिड, ये बाई कार्बोनेट आयंस, ये क्रिएटिनिन, ये क्या हमारा पोटाशियम आयंस, ये सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस एंड यूरिया, ठीक है। सो ये क्या है, हमारी एक लैब है उसमें हम कर रहे हैं स्टडी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा हेमेटोरिया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। आई होप दिस वीडियो बी इंफॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय।